बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजे लर्नर पॉइंट्स। आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसको हम अब्रीविएशन के तौर पर SEO भी कहते हैं, उसके एक्सरसाइज नंबर 2 जो कि बैच 8 से रिलेटेड है, उसको सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। इसके टोटल मार्क्स 10 है और इसकी ड्यू डेट भी बाकियों की तरह 12 नवंबर 2020 है। तो उम्मीद करता हूँ आपने पहले एक्सरसाइज के बारे तमाम इंस्ट्रक्शन रीड आउट क्योंकि केयरफुली करने की, तो काइंडली इसको रीड आउट कीजिए, ये बहुत ज़रूरी होते हैं। लर्निंग आउटकम्स क्या है आपके पास? आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस एक्सरसाइज यू शैल बी एबल टू क्रिएट, कि इस एक्सरसाइज को कम्प्लीट करने के बाद इस काबिल हो जाएंगे क्रिएट करें क्या ऑल टैग्स फॉर इमेजेस, यानी अल्टरनेटिव टैग्स फॉर इमेजेस, मेटा टैग्स यूजिंग टूल्स को इस्तेमाल करते हुए मेटा टैग्स, और साइट मैप ऑफ अ वेबसाइट, या किसी भी वेबसाइट का जो साइट मैप बनाना होता है वो आप ये सब सीख लेंगे। तो हम अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ जाते हैं। ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आपको बता रहे हैं कि आपने HTML टैग और साइट मैप के बारे में वीडियो लेक्चर्स में रीड आउट किया था, और इस एक्सरसाइज में आप इसको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जो आपने लर्निंग की टैग्स के बारे में, और वो क्या होते हैं और किस तरह वो आपके जो वेब क्रॉलर्स होते हैं वो कंटेंट को एक्सप्लेन करने में मददगार होते हैं वेब क्रॉलर्स के हवाले से। टास्क वन क्या है आपके पास? एक इमेज दिया गया है, इस इमेज को गौर से देखिए, इसको रीड आउट कीजिए, और उसके बाद हमने कौन सी टास्क परफॉर्म करनी है, क्रिएट अ वर्ड डॉक्यूमेंट एंड राइट द फॉलोइंग थिंग्स। आपने एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है वर्ड MS वर्ड में, और ये चीज़ें आपने लिखनी है इस इमेज के हवाले से। कंसिडर द अबव इमेज एंड थिंक अप टू कीवर्ड्स रेलिवेंट टू द इमेज एज अल्टरनेटिव टैग्स या ऑल्ट टैग्स। कह रहे हैं आप इस इमेज को अपने जहन में रखें, उसके रखते हुए आपने इस इमेज के हवाले से 2 कीवर्ड यूज करने हैं एज ए ऑल्ट टैग्स इस इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर उसके बाद हमारे पास दूसरा क्या है, नेम द पिक्चर एंड राइट डिस्क्रिप्शन ऑफ द गिवन इमेज इन 2 to 3 सेंटेंसेस। तो आपने इस पिक्चर्स का नाम लिखना है, इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कितने 2 or 3 सेंटेंसेस में। तो चलें, मैंने इसका सारा एक फ्रेमवर्क यानी स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया है अपनी MS Word फाइल में, और हम उसको देखते हैं कि स्टेप बाई स्टेप हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। ये हमारी टास्क वन है, सिलेक्शन ऑफ 2 कीवर्ड्स एज ऑल टैग्स फॉर गिवन इमेज तो ये मैंने कहा तो 2 है लेकिन मैंने 4 कर दिए हैं, तो आप इस तरह और भी सर्च कर सकते हैं। कहाँ से मैंने सर्च किया कि वर्ड फाइंडर है, उसका एक टूल है, वेबसाइट है, और एड गूगल का जो है कीवर्ड जो टूल है प्लानर है, उससे उधर से जाके मैंने इसको सर्च आउट किया। आप भी वहाँ से जाके जो आपने अपने माइंड में सोचा होगा उसके मुताबिक इसको सर्च करके आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है हमारे पास, नेम ऑफ द इमेज एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द इमेज। तो नेम क्या लिखा है, प्रोफेशनल SEO कोर्स ऑनलाइन, ये हमारे उस इमेज का नेम है। उसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन भी मैंने आपको बताया कि जो आपका नेम होता है वो आप इसकी डिस्क्रिप्शन में लाजमी आना चाहिए। तो क्या है जी, ग्रैप द बेस्ट 2 to 3 लाइन्स लिखना चाहिए था, मैंने कुछ ज़्यादा लिख दिया, तो आप उसको ज़्यादा फॉलो कीजिएगा। ग्रैप द बेस्ट प्रोफेशनल SEO कोर्स ऑनलाइन टू इम्प्रूव योर SEO स्किल। SEO ट्रेनिंग कोर्स इंक्लूड्स लोकल SEO, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन, ऑफ साइट SEO एंड टेक्निकल SEO। ट्रेनिंग कोर्स नॉट ओनली कवर्स वीडियोज लेक्चर बट ऑल्सो हैंड ऑन एक्सरसाइजेज अलॉन्ग विद द क्विज़ेस टू एवेल्युएट द अंडरस्टैंडिंग एंड कैपेसिटी ऑफ द ट्रेनीज। तो ये सारी डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ लिखी है। अब टास्क 2 हमारे पास क्या है, नेम ऑफ द सिलेक्टेड वेबसाइट, जो मेरी सिलेक्टेड वेबसाइट है जो मैंने सिलेक्ट की है वो क्या है, आपको बताता हूँ। मेरी अपनी वेबसाइट है, मेरा एक ब्लॉग है जिसमें मैं वक्तन फोक्तन जब टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। उसको मैं ज़रा ब्लैक कलर में कर लूँ ताकि थोड़ा डिफ्रेंशिएट हो सके। तो चले मैं इसको अपनी वेबसाइट को ओपन करता हूँ आपके सामने। ये मेरी वेबसाइट है, तो पहले मैं इसको होम पे जाता हूँ ताकि आपको शो कर सकूँ।
ये मेरी वेबसाइट है, ब्लॉग है, इस पे आप देख सकते हैं कि मेरे आर्टिकल्स यहाँ हैं। तो उसके अलावा मैंने कहाँ जाना है तो वो आगे देखते हैं, हमने कौन कौन सी चीज़ें परफॉर्म करनी है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, टू टाइम्स लिख लिया, ओपन एसईओ बुक साइट होम पेज। तो ये जो मेरा होम पेज है इसको मैं देखता हूँ, जो मैंने ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, ये सॉरी ये वाला एसईओ बुक पेज, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और अपने एमएस वर्ड फाइल में प्लेस कर दें। तो यहाँ से हमने क्या लिया, यहाँ मैंने इसको पेस्ट कर दिया। तो ये क्या हो गया, फॉर्मेटिंग में बाद में कर लूंगा, थोड़ा सा करके देखता हूँ। बाद में देख लेता हूँ मैं इसको फॉर्मेटिंग, लेकिन आपको मैंने बता दिया। अब क्या करना है, स्क्रीनशॉट हैमिंग टाइटल डिस्क्रिप्शन कीवर्ड्स फील्ड। तो मैं क्या लिखता हूँ, होम पेज का लिखना है मैंने, होम पेज का मेरे पास क्या आ जाता है, और न्यूज होम, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखनी है। तो डिस्क्रिप्शन में जैसा आपको बताने के लिए कि मैं यहाँ से, होम पेज यही है मेरा, इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं है, तो मैं अबाउट अस के पेज में जाता हूँ जहाँ मैंने अपने इसके बारे में लिखा हुआ है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, डिस्क्रिप्शन को सारी को, और यहाँ से कॉपी करके यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन में, सॉरी यहाँ मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ मैं कीवर्ड लिखता हूँ कौन कौन से, और न्यूज फॉर्म, फॉर्म होता है लेकिन बाई मिस्टेक फॉर्म हो गया। फिर क्या जी, टेक्निकल इंफॉर्मेशन, तो ये मेरे दो कीवर्ड्स हो गए। तो अब मैंने इसका क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है, तो मैं थोड़ा सा कलेक्ट कर लूं। तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूं क्रिएट करने से पहले, स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया। अब क्या करना जी, हमने यहाँ जब मैं वहाँ प्रेस करूँगा ये क्रिएट मेगा टैग, ये आपको एक मैसेज दे रहा है, आर योर मेगा टैग परफेक्ट, फील फ्री टू यूज द बिलो टिप्स टू हेल्प यू, यस करेक्ट। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, तो ये मेरे पास मजीद नीचे जा रहा है, तो मैंने फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है। मैंने क्या किया, सेव करता हूँ ताकि वो ऊपर वाला हिस्सा भी आ जाए। तो ये मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया। फिर उसके बाद हमारे क्या जी, स्क्रीन शॉट ऑफ होम पेज XML जो हमें उस साइट में दिया गया था। तो मैं इस पे जाता हूँ, अपनी XML जो साइट है ये वाली, ये मैंने ओपन किया हुआ है, इसका मैं स्क्रीन शॉट लेता हूँ। बस यहाँ से दूसरा क्या जी, स्क्रीन शॉट शोइंग नेम ऑफ द सिलेक्टेड वेबसाइट। नाम लिखना है अपनी वेबसाइट का जो ऑलरेडी इधर है, मैंने यहाँ से क्लिक किया, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। और इसके बाद मेरे पास लास्ट है, स्टार्ट के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ,
ये डिपेंड करता है कितने नंबर ऑफ पेजेस हैं। अगर आपकी वेबसाइट हैवी है तो इट टेक्स टाइम, तो अगर हैवी नहीं है तो जल्द ही आपकी साइट मैप जनरेट करके आपको रिजल्ट दे देगा। मेरे इस वेबसाइट पे मेरे जो है ये ब्लॉग है, इसमें मोर देन 50 आर्टिकल्स हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो दैट्स व्हाई आई थिंक इट टेक्स सम टाइम्स। तो हमारा ये अपीयर हो गया है, कह रहा है व्यू साइट साइट मैप डिटेल्स, तो मैं जरा जाके एक दफ़ा अपना चेक कर लेता हूँ। तो मैंने स्क्रीन शॉट ऑफ जनरेटेड साइट मैप लगाना है, तो वापस आता हूँ और व्यू साइट मैप डिटेल्स, तो वो डिटेल भी नीचे दे रहा है लेकिन मुझे इतनी डिटेल नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से ही इसको कॉपी करता हूँ और उसको पेस्ट करता हूँ इधर अपने एमएस वर्ड फाइल में। तो ये मेरी क्या हो गया, एक्सरसाइज यहाँ कंप्लीट हो गई। तो तीनों टास्क कंप्लीट हो गई, मैं इसको बाद में फॉर्मेट कर लूँगा अपनी उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। उम्मीद करता हूँ आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।